Dear students, good morning. Welcome to online class. I taught you the lesson The Ailing Planet, the Green Movement's Role. In this video, I am going to teach you some important question answers of this lesson. The first question is, comment on the title, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. Lesson ka naam jo hai, Green, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. Is title par apne vichar vyakt kariye. To answer iska, the name of the chapter is absolutely correct. इस लेसन का नाम यानी शीर्षक जो है वो बिल्कुल सही है. क्या है शीर्षक ना, और प्लैनेट के बारे में, द एलिंग प्लैनेट. द एलिंग मीन्स क्या होता है, अस्वस्थ. अस्वस्थ प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट पृथ्वी है वो अस्वस्थ है. तो ये बिल्कुल सही है. अवर प्लैनेट मीन्स हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी है, वह जो वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत था. देयर वर मैनी फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वैलीज विच वर फुल ऑफ ग्रीनरी एंड नेचुरल ब्यूटी. हमारे इस प्लैनेट पर बहुत सारे जंगल, पर्वत, घाटियाँ जो कि हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रहती थी. बट ग्रेजुअली सेल्फिश ह्यूमन बीइंग, लेकिन धीरे धीरे स्वार्थी मनुष्यों ने क्या किया, स्टार्टेड टू डिस्ट्रॉय नेचर ड्यू टू देयर लस्ट. अपनी स्वार्थपरता के कारण उन्होंने हमारे पृथ्वी के संसाधनों को नष्ट करना शुरू कर दिया. और जो संसाधन है उनका उपयोग, संसाधन बहुत अधिक नष्ट किए. टू मेक रोड्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, मॉल्स, और उससे क्या बनाया, उन संसाधनों से तमाम उद्योग, मकान, मॉल्स, सड़कें, ये सब बनाई. Hence our planet started getting polluted. इसलिए हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, वह प्रदूषित होना प्रारंभ हो गया. Today our planet is an ailing planet. और आज हमारे इस ग्रह यानी पृथ्वी की स्थिति क्या हुई, एक अस्वस्थ ग्रह के रूप में. Lots of pollution, यहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण है. Its environment is getting worse. इसका जो वातावरण है वो बहुत ही दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है. And if we do not become aware, it will destroy. अगर हम सचेत न हुए तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हानिकारक और नुकसानदेह होगा. तो इस तरीके से इस प्लैनेट का जो टाइटल इस लेसन का जो दिया गया है, एलिंग प्लैनेट, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन मूवमेंट्स रोल इन मेकिंग अवर प्लैनेट बेटर. हमारे इस उपग्रह को, हमारे इस पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने में हमारे जो ग्रीन मूवमेंट, हरित क्रांति का क्या योगदान है, क्या भूमिका है. आंसर देखिए, ग्रीन मूवमेंट्स का मतलब होता है हरित आंदोलन, जिसमें कि चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली विकसित हो, ये प्रयास होता है. तो ग्रीन मूवमेंट प्लेज ए वाइटल रोल इन अवेयरिंग द सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड टुवर्ड द हेल्थ ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के स्वास्थ्य के बारे में जो हरित क्रांति ने
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की पृथ्वी के मानवों को जागरूक करने के लिए। द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी स्टार्टेड इन 1972, दुनिया की सबसे पहली हरित क्रांति को प्रारंभ करने वाली पार्टी सन 1972 में जागरूक हुई। इट एंड एट क्रिएटिंग ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? दुनिया भर के लोगों में एक बहुत ही सुंदर और तार्किक विचारों को भरना था। इट मेड पीपल अवेयर ऑफ डिग्रेडिंग ऑफ नेचर एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इससे क्या हुआ? दुनिया भर के लोगों ने प्रकृति के जो डिग्रेशन हुआ, ह्रास हुआ, प्रकृति का क्षरण हुआ, उसके बारे में वो जागरूक हुए। दुनिया भर के लोग स्टार्टेड टू कंसीडर द अर्थ ए लिविंग बीइंग। और इस पृथ्वी को ही, पृथ्वी माता जैसे कहते हैं उसको, एक सजीव प्राणी के रूप में महसूस करने लगे। सिंस देन द ग्रीन मूवमेंट हैज़ बीन कंटिन्यूसली मेकिंग पीपल अवेयर फॉर सेविंग अवर प्लानट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। उसी समय 1972 से लगातार जो हरित क्रांति आंदोलन के रूप में जो चल रहा है, उससे लोग निरंतर जागरूक होते जा रहे हैं और अब हमारी पृथ्वी माता को नष्ट होने से बचाया जा रहा है, काफ़ी पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है और पृथ्वी माता को पुनः स्वस्थ, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण करने का प्रयास हो रहा है। इन दिस वीडियो आई टॉट यू ओनली दीज टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आई हैव सेंट अ फोटो ऑफ दीज क्वेश्चन आंसर्स टू यू, यू हैव टू नोट डाउन them in your notebooks. Thanks. Okay.